नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉन गेस्ट सेकंड काउंसलिंग में एसटी के खाली बचे पदों का क्या होगा। जैसे कि आपको पता है, वर्ग 3 की फर्स्ट काउंसलिंग में एसटी के जितने कैंडिडेट पास थे, क्वालिफाइज थे, सभी का सिलेक्शन हो चुका है। तो वर्ग 3 की सेकंड काउंसलिंग में एसटी के खाली बचे पदों का अब क्या होगा, क्योंकि जितने कैंडिडेट थे सभी का सिलेक्शन हो चुका है, तो फिर जो शेष पद बचेंगे उन पदों का क्या होगा। तो उन पदों का जो शेष पद बचेंगे वह शेष सभी पद बैकलॉग में चले जाएंगे। शेष सभी पद बैकलॉग में चले जाएंगे। जैसे अभी आपने देखा कि वर्ग 3 की फर्स्ट काउंसलिंग में बहुत सारे पद एसटी को मिले थे बैकलॉग के कारण, तो इसी प्रकार जो शेष पद बचेंगे वो सभी पद अगली भर्ती प्रक्रिया में जितने भी एसटी के कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे उन के माध्यम से भरे जाएंगे, और जो फिर भी पद नहीं में भरे जाते हैं तो अगली आगामी परीक्षा में चले जाएंगे, और इस तरह एसटी के पद खाली बचते रहेंगे। जो भी किसी भी कैटेगरी के पद खाली बचते हैं वह अगली प्रक्रिया में चले जाते हैं, अर्थात बैकलॉग में चले जाते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार मित्रों, जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम।